नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है एंटी साइकोटिक ड्रग। साइकोसिस जो सिम्टम्स होते हैं मेंटल हेल्थ इलनेसेस में, जैसे कि हेलुसिनेशंस, डिल्यूजन, जो कि क्या होते हैं, रियलिटी में नहीं होते हैं, रियलिटी से अलग होते हैं, तो उसके अगेंस्ट में जो ड्रग काम करती हैं वो ही ड्रग कहलाती हैं एंटी साइकोटिक ड्रग्स। अब जो एंटी साइकोटिक ड्रग हैं इनको हम न्यूरोलेप्टिक ड्रग भी कहते हैं। एंटी साइकोटिक्स आर समटाइम्स ऑल्सो कॉल्ड मेजर ट्रैंकुलाइजर्स। इनको कभी कभी मेजर ट्रैंकुलाइजर्स भी कहते हैं। तो एंटी साइकोटिक ड्रग के दो नाम और एक्स्ट्रा हो गए, न्यूरोलेप्टिक एंड मेजर ट्रैंकुलाइजर्स। नेक्स्ट आता है, एंटी साइकोटिक्स आर ए ग्रुप ऑफ मेडिसिंस दैट आर मेनली यूज टू ट्रीट मेंटल हेल्थ इलनेसेस सच एज स्किजोफ्रेनिया, मेनिया। तो मेनली जो एंटी साइकोटिक ड्रग हैं वो क्या है, ग्रुप है मेडिसिन का। उनको कई टाइप्स में बांटा गया है जो कि आगे हम पढ़ेंगे, और ये मेंटल हेल्थ इलनेस को ट्रीट करने के लिए काम में आते हैं, जैसे कि स्किजोफ्रेनिया है और मेनिया। और भी कई मेंटल इलनेस हेल्थ इलनेसेस हैं जिसमें कि एंटी साइकोटिक ड्रग दिए जाते हैं। दे कैन ऑल्सो बी यूज टू ट्रीट सीवियर डिप्रेशन एंड सीवियर एंजाइटी। तो सीवियर डिप्रेशन में और सीवियर एंजाइटी में भी जो एंटी साइकोटिक ड्रग हैं इनका यूज़ किया जाता है। अब आता है टाइप। तो टाइप होते हैं इसके, मेनली दो टाइप के होते हैं एंटी साइकोटिक ड्रग। ये कौन कौन से हैं? पहला टाइप है इसका एटिपिकल और दूसरा है टिपिकल। तो जो एटिपिकल टाइप है उसको सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक ड्रग भी बोलते हैं, एटिपिकल को सेकंड जनरेशन। और ये यूज़ हो रहे हैं सिंस द 1990s से, 1990 से एटिपिकल या फिर सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक का यूज़ किया जा रहा है। जबकि टिपिकल जो होते हैं उनको हम बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक ड्रग, और ये कब से यूज़ हो रहे हैं, 1950 से, 1950 से यूज़ किया जा रहा है इनका। तो इसके मेन टाइप हो गए एंटीसाइकोटिक ड्रग के, एटिपिकल जिसको कि सेकेंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक ड्रग कहा जाता है, और टिपिकल जिसको कि फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक ड्रग कहा जाता है। अब ये जो दोनों टाइप हैं इनमें मेन डिफरेंस क्या होता है? मेन डिफरेंस होता है कि जो फर्स्ट जनरेशन ड्रग है, फर्स्ट जनरेशन मीन्स टिपिकल, तो टिपिकल जो एंटीसाइकोटिक ड्रग हैं वो क्या करती हैं, जो डोपामिन होता है न्यूरोट्रांसमीटर उसको ब्लॉक कर देते हैं फर्स्ट जनरेशन। जबकि सेकेंड जनरेशन जो ड्रग है एंटीसाइकोटिक वो क्या करते हैं, डोपामिन को तो ब्लॉक करते ही हैं, इसके अलावा किसको करते हैं, सीरोटोनिन लेवल को भी ये अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो सेकेंड जनरेशन में दो प्रभावित होते हैं, डोपामीन और सीरोटोनिन, जबकि फर्स्ट जनरेशन में ओनली डोपामीन। और ये जो न्यूरोट्रांसमीटर के होते हैं वो क्या होते हैं, व्यवहार, इमोशन, इन सबको प्रभावित करते हैं। तो इनको जो ब्लॉक करके इसका ट्रीटमेंट किया जाता है बाय एंटी साइकोटिक ड्रग। तो अब एटिपिकल और टिपिकल जो एंटी साइकोटिक हैं उनको हम विद एग्जाम्पल पढ़ेंगे। एटिपिकल जो होते हैं उनको न्यूअर एंटीसाइकोटिक भी कहा जाता है। इनके एग्जाम्पल हैं क्लोजेपीन, ऑलनेजेपीन, रिस्पेरिडॉन, और इनको लिया जाता है डॉक्टर की सलाह पर। टिपिकल और ओल्डर एंटीसाइकोटिक जो होते हैं जो कि पुराने काफ़ी टाइम से चले आ रहे हैं, ये हैं हेलोपेरिडॉल, क्लोरप्रोमाजीन। तो ये दो एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हैं, बाकी इस ग्रुप में काफ़ी सारी ड्रग्स शामिल हैं। जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होती हैं या मोस्ट पॉपुलर हैं वो ये हैं, टिपिकल में हेलोपेरिडॉल एंड क्लोरप्रोमाजीन, जबकि एटिपिकल में क्लोजेपीन, ऑलेंजेपीन एंड रेस्पेरिडॉन। नेक्स्ट है, सेकेंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स आर यूजुअली द फर्स्ट चॉइस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्किजोफ्रेनिया। जो सेकेंड जनरेशन है वो स्किजोफ्रेनिया में फर्स्ट चॉइस है, मेनली ये दी जाती है सेकेंड जनरेशन जो हैं।
दे आर ऑल्सो यूज टू ट्रीट पीपल विद साइकोसिस दैट अकर इन बाइपोलर डिसऑर्डर. जो साइकोसिस होता है किसमें, बाइपोलर डिसऑर्डर में, डिप्रेशन में, एल्जीमर्स डिजीज में, उसमें भी एंटी साइकोटिक ड्रग यूज़ की जाती है. अब आते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट. तो साइड इफ़ेक्ट क्या क्या होते हैं, साइड इफ़ेक्ट होते हैं ड्राई माउथ, सेकेंड है ब्लर विजन, थर्ड वन है फ्लशिंग, फोर्थ है कॉन्स्टिपेशन हो जाता है इससे, फिफ्थ है ड्राउजीनेस, सेडेशन, सेडेशन फील होता है पेशेंट को, नेक्स्ट है वेट गेन, देन मूवमेंट डिसऑर्डर, मूवमेंट से रिलेटेड डिसऑर्डर हो जाते हैं, जैसे कि पार्किंसनिज्म. इसमें क्या होता है, जैसे पार्किंसनिज्म के जो पेशेंट है उनको ट्रेमर और मसल स्टिफनेस होती है, तो इसी तरह से इसके साइड इफ़ेक्ट में होती है. नेक्स्ट है एकेथिसिया. इसमें क्या होता है, दिस इज़ लाइक ए रेस्टलेसनेस ऑफ द लेग, जो लेग्स होती है उसमें रेस्टलेसनेस होना एकेथिसिया कहलाता है, और ये एक साइड इफ़ेक्ट है एंटी साइकोटिक ड्रग का. नेक्स्ट है डिस्टोनिया. डिस्टोनिया में क्या होता है, दिस मीन्स एबनॉर्मल मूवमेंट ऑफ द फेस एंड द बॉडी, फेस और बॉडी में एबनॉर्मल मूवमेंट होती हैं, तो डिस्टोनिया इसका साइड इफ़ेक्ट है एंटी साइकोटिक ड्रग का. एंड जो मेन इम्पॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट है मूवमेंट डिसऑर्डर से रिलेटेड, वो है टार्डिव डिस्काइनेशिया. अब टार्डिव डिस्काइनेशिया क्या होता है, दिस इज़ ए मूवमेंट डिसऑर्डर, मूवमेंट डिसऑर्डर है ये. इट अगर्स व्हेन समबडी टेक एंटी साइकोटिक फॉर सेवरल ईयर्स, काफ़ी सालों से व्यक्ति एंटी साइकोटिक ड्रग ले रहा है तो उसकी वजह से ये हो जाता है. इट कॉजेज रिदमिकल इनवॉलेंट्री मूवमेंट. अब इसमें जो मूवमेंट होती है वो कैसे होती है, रिदम होती है उनकी और इनवॉलेंट्री होती है, वॉलेंट्री नहीं होती, अपने आप ही मूवमेंट होती रहती है रिदमिकल. और दीज आर यूजुअली लिप स्मैकिंग. किस तरह की है, जैसे कि लिप स्मैकिंग एंड टंग रोटेटिंग, टंग को रोटेट करना, टंग रोटेटिंग मूवमेंट. तो ये किसके लिए स्पेसिफिकल, लिप स्मैकिंग एंड टंग रोटेटिंग मूवमेंट. ऑल्दो इट कैन अफेक्ट द आर्म्स एंड लेग्स टू. तो ये क्या करता है, आर्म को और लेग को भी ये अफेक्ट कर सकता है, यानी कि इनमें भी ये मूवमेंट डिसऑर्डर्स शो हो सकता है. तो मेनली होता है लिप स्मैकिंग एंड टंग रोटेटिंग मूवमेंट, जो कि रिदमिकल होती हैं और इनवॉलेंट्री होती हैं. और क्यों होती हैं, यदि एंटी साइकोटिक बहुत सालों तक लगातार लिया जा रहा है तो, और इसको हम क्या बोलते हैं, टार्डिव डिस्काइनेशिया. तो कॉमन साइड इफेक्ट इस तरह से हैं, ड्राई माउथ, ब्लर विजन, फ्लशिंग, कॉन्स्टिपेशन, ड्राउजीनेस और सेडिशन, वेट गेन, मूवमेंट डिसऑर्डर, मूवमेंट डिसऑर्डर में पार्किंसोनियनिज्म जो कि पार्किंसंस डिजीज में होता है उस तरह के मूवमेंट होते हैं, एकेथिसिया जिसमें कि रेस्टलेसनेस ऑफ लेग होती है, डिस्टोनिया जिसमें कि फेस और बॉडी की अबनॉर्मल मूवमेंट होती हैं, एंड टार्डिव डिस्काइनेशिया जिसमें कि रिदमिकल एंड इन्वॉलेंट्री मूवमेंट होती हैं, मेनली लिप स्मैकिंग एंड टंग रोटेटिंग, और ये आर्म को और लेग को भी अफेक्ट कर सकता है. तो ये हो गए कॉमन साइड इफ़ेक्ट ऑफ एंटी साइकोटिक ड्रग. तो इस तरह से हमने देखा कि जो एंटी साइकोटिक ड्रग हैं ये साइकोसिस जो सिम्टम्स हैं उनके अगेंस्ट में दी जाती हैं, और मेनली किस में दी जाती है, स्किज़ोफ्रेनिया में, मेनिया में, सीवियर डिप्रेशन में, एंजाइटी में, सीवियर एंजाइटी है यदि तो उसमें. इसके अलावा हम इसको क्या बोलते हैं, न्यूरो लेप्टिक ड्रग, और क्या बोलते हैं, समटाइम्स ऑल्सो कॉल्ड ट्रैंक्विलाइजर्स. अब ये दो टाइप होते हैं मेनली इसके, एटिपिकल और टिपिकल. तो जो एटिपिकल होता है उसमें क्या होता है, इसको न्यूर भी कहते हैं और इसको सेकेंड जनरेशन भी कहते हैं, जबकि जो टिपिकल होता है इसको क्या कहते हैं, ओल्डर और फर्स्ट जनरेशन.
तो स्किजोफ्रेनिया में मेनली सेकेंड जनरेशन यूज़ होते हैं, और इनकी साइड इफेक्ट में मेनली जो मूवमेंट डिसऑर्डर है वो क्या होता है इम्पोर्टेंट, टार्डिव डिस्काइनेशिया। तो यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।